बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब और आप देख रहे हैं कारीशान यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से, हम फुर तौर पर आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी अपडेट के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश का जो आपका पेपर होगा सेकेंड ईयर का, उस हवाले से जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। शार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, MCQs आपके साथ शेयर करूँगा। सारी मालूमात इसी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएगी। इससे पहले जो बच्चे चैनल के ऊपर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको बरवक़्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आप सारे बच्चों को कामयाब करे, आपके ऊपर आपके वालदैन का सेहत सलामत रखे। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले जो है बच्चों, हम जाएँगे गूगल के ऊपर। आपने अपने मोबाइल से गूगल ओपन कर लेना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह आपने जो है डाउनलोड करना है सारा डाटा। गूगल ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है WAKOS वकास ABAD आप इंटरप्रेस कर देना है। जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपके सामने जो है वेबसाइट आ जाएगी wakasabad.com, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे उसके फ़ौरन बाद जो है यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन मिलेगा, ये देखें, गैस पेपर 2023, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपने सबसे नीचे आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, ये देखें, 12वीं क्लास। ठीक है, ये देखें 12वीं क्लास गैस पेपर। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बच्चों आपने नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 12वीं क्लास गैस पेपर। ठीक है, यहाँ से आप जो है 12वीं क्लास के गैस पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपने नीचे आ जाना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर हम बात करें जिस तरह पेपर स्कीम के हवाले से अगर हम बात करें, तो आप जो है यहाँ से आके अपनी पेपर स्कीम भी डाउनलोड कर सकते हैं जो सेकंड ईयर की है। ठीक है, ये पेपर स्कीम है। ठीक है, तो इसी तरह जो है अगर हम बात करें जिस तरह जो पास्ट पेपर है सेकंड ईयर का, वो यहाँ से आप आगे जो पास्ट पेपर है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से जो है वो अच्छे तरीके से सारी समझ आ जाएगी और आपको एक एक चीज़ जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया, एक तो ये बात आपकी क्लियर होगी, ये भी डाउनलोड कर सकते हैं सारे यहाँ पे, एक ही जगह पे सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे आएंगे, ये देखें लिखा हुआ है सेकंड ईयर इंग्लिश, जो आपके MCQs हैं, ये हलशुदा MCQs हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं। ठीक है, ये देखें, ये सारे जो है MCQs जो हैं ये हलशुदा हैं। ये वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट है wakasabad.com, इस पर जाके आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर दूं, जो आपका पेपर होगा, जो आपके MCQs होंगे, ये स्क्रीन के ऊपर आप दे सकते हैं, मैं आपकी सारी बात क्लियर कर देता हूं कि जी जो आपके MCQs होंगे वो इसको हल करने के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, और जो MCQs पेपर होगा, जो टिक वाले जो आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, ये आपके सामने मौजूद है, मरूजी पेपर आपके सामने मौजूद है, इसके जो है आपको 20 नंबर जो है वो मिलेंगे। ठीक है, 30 मिनट जो है वो आपको दिए जाएंगे पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो एक नंबर का एक आपका MCQs होगा ये। ठीक है, इस तरह आपका पेपर जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये 20 नंबर के आपके MCQs होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें जो आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, उसको हल करने के लिए आपको जो है वो 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो है ये देखें आपके सामने जो है जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, इसके आपने जो है 6 जो है वो क्वेश्चन जो है वो हल करने होंगे। ठीक है, ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, इनमें से 6 का हल करने होंगे आपने। ठीक हो गया, तो ये इस एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके भी आपने शार्ट क्वेश्चन जो है वो तकरीबन जो है इसमें से आपने जो है 6 का हल करने होंगे, एक शार्ट 2 नंबर का होगा। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके भी आपने जो है वो 6 क्वेश्चन जो है वो हल करने होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, नहीं, इसके जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, इसके आपने 8 क्वेश्चन जो है वो हल करने होंगे, 8 शार्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छे तरीके से इसको देख लें पेपर को। ठीक है, ये 16 नंबर का होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 15 नंबर का आपका जो है होगा। इसी तरह जो है ऐसे जो होगा, इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक हो गया, ये 10 नंबर का होगा। उसके बाद जो है ट्रांसलेट जो आपने करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये 15 नंबर का होगा। तो जो इस तरीके से जो है ये होगा। ठीक है जी, इसके अलावा जो है बाकी अगर आपने कोई भी डाटा डाउनलोड करना है तो यहाँ पर वेबसाइट पर आपने आना है, आके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।